नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। सदरा थाना अंतर्गत पहाड़िया के दरिया प्लांट में स्थानीय महिलाओं ने किया हंगामा। वेतन और काम को लेकर महिलाओं का कहना, स्थानीय महिलाओं को काम दिया जाए। रीवा जिले के सगरा थाना अंतर्गत पहाड़िया में दरिया प्लांट में स्थानीय महिलाओं ने वेतन और काम को लेकर तालाबंदी की हड़ताल कर दी। जिले के पहाड़िया दरिया प्लांट में स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार ना मिलने की वजह से वो इन दिनों अनशन पर हैं। इसके साथ ही महिलाओं का साफ तौर से कहना है, बाहरी महिलाओं को यहाँ पर रखा जा रहा है, जबकि आसपास काम के लिए ढेरों महिलाएं मौजूद हैं। जब इस जगह पर पहाड़िया दरिया प्लांट पर इसका निर्माण हो रहा था, प्लांट लगाया जा रहा था, तब साफ तौर से कहा गया था स्थानीय महिलाओं को पहली प्राथमिकता होगी, हम इनको रोजगार देंगे। उनको रोजगार के लिए ही यहाँ पर हम दरिया प्लांट लगा रहे हैं। दरिया प्लांट से हम आपको बता दें, पूरे प्रदेश में दरिया सप्लाई होती है, खास तौर से आंगनबाड़ी केंद्रों में यहाँ से दरिया जाती है। इस जिसके चलते यहाँ पर साल के 12 के 12 महीने काफ़ी काम होता है, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से देखा जा रहा है यहाँ पर जो भी ठेकेदार है वो बाहर की महिलाओं को काम दे रहा था, स्थानीय महिलाओं को उसने काम देना बंद कर दिया था। यही नहीं, जो स्थानीय महिलाओं को काम भी दे रहे थे उनको काफ़ी कम पैसा दिया जा रहा था, जिसको लेकर आसपास की स्थानीय महिलाएं काफ़ी नाराज थी। आसपास की महिलाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, ना ही महिलाओं को उतना पेमेंट दिया जा रहा था जितना मिलना चाहिए, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा महिलाएं हड़ताल पर पहुंच गईं। दरिया प्लांट पर उन्होंने अपनी साड़ी से तालाबंदी कर दी। लगातार शासन और प्रशासन से वो मांग कर रही हैं, दरिया प्लांट में स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिया जाए, इसके साथ ही वेतन भत्ता भी नियमित रूप से दिया जाए। साथ ही जो कर्मचारी और अधिकारी दरिया प्लांट में गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दरिया प्लांट में जो भी अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है वो अपनी मनमानी करते हैं, किसको काम देना है किसको नहीं देना है ये वो तय करते हैं, जबकि होना ये चाहिए आसपास इलाके में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, सबको प्राथमिकता के आधार पर काम मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो निश्चित रूप से इलाके में ढेर सारी महिलाओं को काम मिल जाएगा, उनके घर की रोजी रोटी का बेहतर इंतजाम हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर इस इलाके में काफ़ी विरोध था। हम आपको ये भी बता दें, पहाड़िया में ही कचरा प्लांट लगाया गया था जिसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ था। तब शासन प्रशासन ने कहा था कचरा प्लांट की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा, यहाँ पर हम कई उद्योग धंधे भी लेकर आएंगे जिससे स्थानीय लोगों को काम मिलेगा। कचरा प्लांट लगा उसके बाद शासन प्रशासन के खिलाफ गुस्सा कम करने के लिए यहाँ पर शासन ने दरिया प्लांट लगवा दिया। दरिया प्लांट के उद्घाटन के समय साफ तौर से कहा गया था यहाँ पर पहली प्राथमिकता स्थानीय महिलाओं को होगी, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से देखा जा रहा था स्थानीय महिलाओं को काम ही नहीं मिल रहा था, बाहर की महिलाओं को यहाँ पर काम दिया जा रहा था। साथ ही स्थानीय महिलाओं को जो भी काम कर रही थी उनकी वेतन भत्ते में काफ़ी कटौती कर रहे थे जो भी अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर पोस्टेड थे, जिसके चलते महिलाएं काफ़ी गुस्से में थी, काफ़ी नाराज थी। उनका गुस्सा इसी बात को लेकर था कि उनका वेतन भत्ता जितना शासन ने तय किया है उतना मिलना चाहिए, साथ ही उनको रोजगार भी मिलना चाहिए। Yeah.
ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।